फाइनली करते हैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज का डेट 3rd अप्रैल और अभी टाइम होना है 9:30 o'clock। तो फाइनली आप लोग कैसे कमेंट करके बताइए, हम भी ठीक है, आशा करते हैं आप लोग भी ठीक ही होंगे। आज सोचे कि मतलब थोड़ा बाहर निकलते, क्योंकि बहुत दिन से बाहर का ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ बाहर जींस उठ नहीं किए। सोचे हैं कि आप लोग का बगल में एक जगह थोड़ा सा दूर पे वो दिखाते हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो पता ही होगा, जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं वो देख लेंगे। मतलब ठीक है, ये वैसे पहले हम गए थे, इससे पहले एक्सप्लोर किया था, बस ऐसे ही घूमे थे। और अब दूसरी बार जो हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आज मौसम ऐसा है ना कि मूड कर गया कि तो निकला नहीं है, और एकदम थोड़ा ठंडा टाइप का मौसम है, तो देखो तो हाथ दर्द करा है भाई, थोड़ा इसमें सेटअप लगा लेते हैं अपने। अच्छा अब हो चुका है, थोड़ा हैंड भी कम दर्द करा है, बट ये सेटअप थोड़ा भारी है, तो आप लोग काम चला रहे। अभी हम ऊपर माइक फिक्स नहीं किए, विदाउट माइक के शूट कर, क्योंकि रूम के अंदर नॉइज तो नहीं से रहा, और पंखा भी बंद कर दिए, क्योंकि थोड़ा पंखा बंद करके शूट करते हैं। तो मतलब कि आज प्लान बना लिए कि जाना है फाइनली, और पेंसिल से भी बात हो ही गया है, वो भी थोड़ा लेट से उठा, हमसे भी लेट से उठा, क्योंकि निकाला थोड़ा जल्दी सो गया था, लेकिन हमसे लेट से उठा, कोई बात नहीं। तो और भी लोगों से बात हुआ था जाने के लिए, बट मेरा वो लोग नहीं जा रहे हैं, बस हमारे प्रियंस हुए और कोई नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग, जाने के बाद हम चलेगा। अब भाई बात हो तो मैं तो फिर विंडो बंद करके सूट, इसी विंडो भी बंद कर दी इसलिए क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बगल में ही है, तो छत ढलाई हो रहा है उसका, मतलब तो उसका आवाज़ ज़्यादा आता, तो सोचे कि थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, तो वीडियो शूट करते हैं फिर खोल देंगे। चलो ठीक है, हम आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली इट्स टाइम टू 4 o'clock, और अभी हम तैयार होकर बैठे हैं, जो जुगल आप लोग बोल रहे थे कि रेडी जाने वाले हैं, तो तैयार हो गए, बट प्रियंश नहीं जा रहा है और कुछ और दोस्त लोग जा रहे हैं। अगर ब्लॉग में लोग आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आएंगे तो लोग मन चल जाएगा कौन जा रहे कौन नहीं जा रहे, बट कोई बात नहीं। बाहर जाने से हमको याद आया एक बात कि बाहर भाई धूप भी रहता है और पसीना भी निकलेगा, वो जैसी बात है, तो कुछ परफ्यूम वर्फ्यूम लगाते हैं ही होंगे आप लोग भी जाते वक्त, हम भी यूज करते हैं, पहले कुछ और यूज करते थे, बट अभी जो हम आज यूज कर रहे हैं अभी आजकल जो है वाइल्ड स्टोन का अल्ट्रासेंस पर आप लोग जैसा कि मतलब इसका है कि एक तो खुशबू अच्छा है, हार्ड ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, और एटलीस्ट 12 to 14 hours तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और पसीना आने पर मतलब कि स्मेल मतलब नहीं आता, क्योंकि बाहर जाएंगे तो गर्मी तो लगेगा, धूप रहेगा तो पसीना आएगा ही। तो कोशिश यही है कि आप लोग भी इस प्रोडक्ट को बाय कीजिए और यूज करके देखिए कैसा लगता है, मेरे पे तो अच्छा काम किया, शायद आप लोग भी अच्छा काम करेगा ही। तो मैं इसका इस प्रोडक्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाइएगा। रेडी हो चुके हैं, ऐसा नहीं दिख पाएंगे, चलो कोई बात नहीं, ऐसे दिख जाएंगे। तो मिलते हैं आप लोग से रास्ते में और करेंगे बात, अगर रास्ते में बात कर पाए तो, नहीं तो डायरेक्ट वहाँ पहुँच के ही मिलेंगे, ठीक है। ये सबसे पतला मजनू, और ये है भोला सा लड़का, थोड़ा सा मजनू। और चंदन का फोन गिर गया, आज तो फोन जाता है इसका, वैसे गिरा को प्रवचन दे रहा है बेचारा का फोन छोटी मुंह में आ गया था, छोटी मुंह में आ गया था। पहले हम लोग पुस्तक वहाँ मिलने के बाद ब्लॉग शूट करना शुरू करेंगे, या फिर देखते हैं रास्ते में टाइम लग फ्री है तो ठीक है, कोई बात नहीं है कि वहाँ मिलने के बाद। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got we are arrived 5 bandaron ke sath, hum log 5 murti ready see bachai chahiye tha first year, देख सकते हैं आप इसको, भी खड़ा है और ये भी खड़े है। सर जी बैठ जाइए, बैठने के लिए आसन दिया हुआ है जी। अरे आइए आइए, चंदन और ये पांचों आदमी मिल गए आज इस बार फिर से। और पीछे से हम लोग गंगा पार जाने के लिए निकल चुके हैं, हम पांचों के पांचों लौंडे, 5, 6, 10, 15 ओ भाई ये हिल रहा है ना भाई, साहब लग रहा है भाई, आजा नहीं चढ़ गया तो घर गया,
कुछ सोच पड़ा है बेचारा कब कूदेगा। अरे कूद ना इतना बेचारा We are back here. पिछले बार आया था तो ब्लॉग व्लॉग कुछ नहीं बनाता, इस बार आया तो पूरा ब्लॉग के साथ। फाइनली फोटो शूट हो चुका है खत्म और ये लोग अपने पता नहीं किसका किसका लोग नाम लिख रहा है। और देखिए गाइज हम इसको ये रखा देंगे और सब के सब का हालत खराब हो जाएगा। और ये मजनू हमारे हॉस्टल के मजनू जी, ये मजनू इधर घूमने के बाद हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा उधर आगे पीछे करने, सब फोटो वोटो खूब खींच लिया है। और हम लोग का फ्लाइट भी ऊपर से जा रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। देखिए ऊपर जा रहे उधर, देखते दिखाते हैं आप लोगों को पैक लोकेशन। बहुत ज़्यादा वहाँ पे शाम हो रहा है, अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा। अब फिर पता नहीं नाव वाला हम लोग को लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि नाव भी आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं रहेगा। फिर ये आदमी तो बहुत है, आएगा तो सही बट क्या पता कुछ भी, इसलिए हम लोग निकलते हैं यहाँ से। आप लोग से मिलते आगे होने वाला है, कोशिश करते हैं देखते क्या होता है। और यहाँ पे भैया गाना गा रहे हैं मस्त, एकदम साउंड आ रहा है मस्त है, छठ का फीलिंग आ रहा है, छठ का फीलिंग आ रहा है, छठ का गाना भी बज रहा है और छठ घाट भी बन रहा है यहाँ। तो रहेंगे यहाँ अगर पटना उस टाइम में, कोशिश करेंगे कि आए। और भैया मस्त गाना गा रहे हैं। मुझे रास्ता कूदो पे नहीं गहरे समंदर पे।